ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हमने पिछले क्लास में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन किया कि अगर हमारा अमाउंट विड्रॉन किया है कोई भी पार्टनर अनइक्वल अमाउंट या अनइक्वल टाइम ड्यूरेशन में, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें दो मेथड्स किए, एक तो प्रोडक्ट मेथड और दूसरा सिंपल मेथड। दोनों ही मेथड के हमने एग्जांपल्स भी करवा लिए थे। आज हमें बात करने हैं कि अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉन करता है इक्वल और इवेनली द पीरियड तो क्या होगा। सपोज कोई पार्टनर है, वो अपने फर्म से अमाउंट विड्रॉन करता है 1,000 रुपये पर मंथ सेम टाइम इंटरवल पे, तो उसके रेट, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। ओके, लिखिएगा साथ साथ। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में के बारे में, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमने प्रैक्टिकल को छोड़ रखा है उस प्रैक्टिकल को भी आज ही करेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा साथ साथ। वेन ड्रॉइंग्स आर मेड इवेनली एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स आर सेम, देन बी कैलकुलेट एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। हम लोग एवरेज पीरियड इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, देखिएगा। आसान, सबसे आसान, हमें इसके लिए तीन तरह के फार्मूले बनाने हैं। कौन कौन से तीन तरह के फार्मूले बनाने हैं, पहले ये सुन लो, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर हमारा विड्रॉवल फर्स्ट ऑफ मंथ है, फर्स्ट ऑफ या बिगनिंग ऑफ द मंथ रहा हो तो क्या करेंगे, अगर हमारा विड्रॉवल मिडिल ऑफ द मंथ रहा हो तो क्या करेंगे, और अगर हमारा विड्रॉवल एंड ऑफ द मंथ रहा हो तो क्या करेंगे। वैसे ही अगर हमारा विड्रावल एंड ऑफ द क्वार्टर रहा, मिडिल ऑफ द क्वार्टर रहा या बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर रहा तो क्या करेंगे, यानी सेम टाइम गैप के बाद रहा है तो क्या करेंगे। हमें क्या निकालना होगा, एवरेज पीरियड। लिखिएगा, इफ विड्रॉ अमाउंट फॉर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हमारा विड्रावल बिगनिंग में है, मंथ के स्टार्टिंग में, यानी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहा हो तो क्या करेंगे। लिखिएगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू, एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लिफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड टू। ये हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ गया। हमने लिखा है इफ विड्रॉवल अमाउंट फॉर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ रहेगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। सपोज अगर हमारा बुक्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को, तो हमारा बिगनिंग कौन सा महीना रहेगा, जनवरी फर्स्ट को, तो जनवरी फर्स्ट को हम सबसे पहला विड्रॉवल करेंगे। जनवरी फर्स्ट से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने बचते हैं आपको बताने हैं। जनवरी फर्स्ट से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचता है, तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
टोटल हो गया 12 मंथ्स। तो इस 12 मंथ्स को हम क्या लिखेंगे, टाइम लिफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल 12 मंथ्स प्लस टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। हमें लास्ट विड्रॉवल कब होगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो दिसंबर के 1 दिसंबर को होगा, यानी लास्ट मंथ का कौन आएगा, दिसंबर, उसके फर्स्ट डे को विड्रॉवल हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने टाइम बचे रहेंगे, 1 मंथ्स। ओके, डिवाइडेड टू, यानी 13 मंथ्स डिवाइडेड टू 6.5 मंथ्स, ये आ गया हमारा एवरेज पीरियड। वैसे ही सेकेंड नंबर पॉइंट पे अगर हम लिख दें, इफ विड्रॉन अमाउंट फॉर एंड ऑफ ईच मंथ देन एवरेज पीरियड इक्वल टू, फॉर्मूला सेम आएगा, एवरेज पीरियड कैसे निकाले जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, एंड ऑफ ईच मंथ, यहां पे क्या था, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अभी हमें देखना क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ। अगर हम एंड का बात करें तो हमारा हर एक बार विड्रॉवल जो होगा कब होगा, 31st को या फिर 28 को या फिर 30 को, 30 या 31st को, यानी मंथ के लास्ट वाले डेट पे होगा। तो पहला विड्रॉवल कब होगा, 31st जनवरी को, यानी अगर हम बात करें 31st जनवरी से 31st दिसंबर तक का टाइम गैप कितने का रहता है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 11 मंथ। ओके, और लास्ट विड्रॉवल कब होगा, 31st दिसंबर को, और 31st दिसंबर के बाद हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचता, तो 0 डिवाइडेड 12, यानी 11 डिवाइडेड 12 इक्वल टू एवरेज पीरियड इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ओके सर, थर्ड नंबर पॉइंट पे हम बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है कि अगर हमारा विड्रॉवल मिडल ऑफ द मंथ रहा है, इफ विड्रॉवल फॉर इफ विड्रॉन अमाउंट फॉर मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ दे, क्या होगा, 15th जनवरी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी मिडल कब आएगा, अगर हम बात करें किसी भी मंथ के मिडल का तो कब रहेगा, 15th को, तो 15th जनवरी, तब अगर 15th जनवरी से हम 31st दिसंबर तक देखें कितने महीने बच रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार हम लिख देना चाहते हैं, ये सारे अगर आपको समझ में आ गए तो गुड एंड वेल, नहीं भी समझ में आया है तो इसमें बता रहे हैं, यहाँ से आप देख लेना क्या होगा। हमने जनवरी 15th को निकाला, पहला विड्रॉवल कब हुआ, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट विड्रॉवल, जनवरी 15th, यहाँ से कितने महीने हमारे बचे रहेंगे, हाफ मंथ। ओके, उसके बाद फेब पूरा बचा रहेगा, 15th को, फेब 15th को हमारा दूसरा विड्रॉवल होगा, तो जनवरी 15, फेब 15 से, सॉरी सॉरी, जनवरी 15 से दिसंबर 31st तक हमारे कितने महीने बचे रहेंगे, दिसंबर 31st तक हमारे कितने महीने बचे रहेंगे, तो जनवरी का आधा महीना, जनवरी का हाफ मंथ प्लस फेब से लेकर के 31st दिसंबर 11, यानी टोटल जो हमारे पास ड्यूरेशन बचा रहेगा 11.5 मंथ्स रहेगा। फेब में कितना बचा हुआ रहेगा, एक महीना और कम कर लो तो ये बचा हुआ रहेगा 10.5 मंथ्स, है ना। हमें सारे का थोड़ी ना जरूरत है, हमें तो जरूरत है फर्स्ट विड्रॉवल का और लास्ट विड्रॉवल। लास्ट विड्रॉवल कब होगा, 15th दिसंबर को होगा, तो 15 दिसंबर में हमारे पास कितना टाइम बचा रहेगा, 0.5, बस ये आ जाएगा 0.5। तो हमारे पास जो एवरेज पीरियड निकल के आएगा, एवरेज पीरियड जो निकल करके आएगा वो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड टू, अगर मिडिल है तो क्या होगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा 12 डिवाइडेड टू इक्वल टू 6 मंथ, ये आ गया हमारा एवरेज। उसी तरह से अगर हमारा विड्रॉवल बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहता तो क्या होता, बिगनिंग ऑफ ईच, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर रहता और एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहता तो क्या होता, कुछ नहीं, सिर्फ गैप जो होता ना वो चेंज हो जाता। एक बार हम क्वार्टर वाला करके दिखा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या सर, हमें सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत आएंगी ना
वो यहां पे कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, फॉर्मूला आसान है, दो डिजिट को ऐड करना है और उसके बाद टू से डिवाइड कर लेना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही हमारे एवरेज पीरियड निकाल के ला देंगे। अब हम देखो, अगर हमारा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या करेंगे, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। करना क्या है, हमारा बिगनिंग का मतलब फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, यही ना। अगर आपके बुक्स स्टार्ट होते हैं फर्स्ट जनवरी, बिगनिंग होते हैं फर्स्ट जनवरी 2020 को और एंड होते हैं 31 दिसंबर 2020 को, तब आप जनवरी लिखोगे। अगर आपका बुक बिगनिंग होता है 1 अप्रैल 2020 और क्लोज होता है 31 मार्च 2020 को, तब आपको यहाँ पे मार्च, सॉरी 1 अप्रैल ही लिखना है। ओके सर, हमने लिखा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर में कितने महीने, जनवरी, फेब, मार्च, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। कैसे निकाले सर, एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे, 3 महीने। ये तो हो गया फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर बताओ, सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर आएगा सर मई, जून, जुलाई, ये हमारे हो गए। उसके बाद थर्ड क्वार्टर कौन सा होगा, थर्ड क्वार्टर होगा अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, और लास्ट के क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर जो होंगे वो हो जाएगा नवंबर। अच्छा अच्छा कहीं पे मिसिंग हो गया क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमने लिखा ही नहीं। अच्छा सर ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इधर आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा लास्ट के क्वार्टर है। और हमने बोला है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हमने क्या बोला, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है इसका मतलब फर्स्ट डे। अब यहाँ से लेकर के 31 दिसंबर तक बताओ कितने टाइम बचेंगे, यहाँ से लेकर के 31 दिसंबर तक 12 मंथ्स, पूरे 12 मंथ्स बच जाएंगे। और बिगनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ये फोर्थ क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर का जब हम निकालेंगे डे ड्यूरेशन, कितना गैप हमारा है, तो 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर नवंबर और दिसंबर टोटल 3 मंथ्स रह गए। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, 12 + 3 / 2 = 15/2 7.5 मंथ्स, ये आ गया एवरेज पीरियड इफ अमाउंट विड्रॉन ऑन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, अगर हम बिगनिंग के जगह पे इसी को कर दें मिडल तो क्या होगा, अगर हम मिडल कर दिए ना ईच क्वार्टर, इसका मतलब फर्स्ट जनवरी को विड्रॉ नहीं होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में, तो ये बीच आता है 15 फरवरी को, बोलो हाँ, क्या 15 फरवरी को ही मेडल होगा, हाँ सर हाँ 15 फरवरी को ही मेडल होगा। अब इस क्वार्टर में हमारे पास कितना टाइम बच गया, हाफ मंथ फेब का और मार्च का एक, यानी 1.5 मंथ्स यहाँ बच गया, 3 मंथ्स यहाँ बच गया, 3 मंथ्स यहाँ बच गया, और 10.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ, 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने बच गए, टोटल होते हैं 12 महीने के, जिसमें से 1.5 महीने वापस चले गए, तो कितने बच गए 10.5। और यहाँ पे हमारा 15 नवंबर को विड्रॉवल होगा सेकंड वाला, तो अगर 15 नवंबर को हम विड्रॉ करेंगे, इसका मतलब नवंबर का हाफ और दिसंबर पूरा, तो 1.5 बचा हुआ रहेगा, 1.5 बचा रहेगा यहाँ पे भी 6। देखो एक बात देखो, यहाँ पे मिडल तब भी 6, यहाँ पे मिडल तब भी 6, लेकिन बिगनिंग वाला में सर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, बिगनिंग वाले चेंज होंगे, लेकिन अगर हमें एवरेज निकालने के लिए बोला गया
या फिर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपने अमाउंट कब विड्रॉ किए हो, तो हमेशा हमेशा हम क्या मानेंगे कि हमने अमाउंट विड्रॉ किया है ऑन मिडल, मिडल ऑफ इच क्वार्टर, इच मंथ, या मिडल ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब ही होता है बीच वाला पार्ट, तो बीच का मतलब कितना निकल के आएगा, सिक्स मंथ। अब हम बात करते हैं अगर ये मिडल के जगह पे एंड हो जाए, एंड ऑफ इच क्वार्टर रहा, तो क्या होगा, हम निकालेंगे 31st को, तो यहाँ पे बचेगा कितना, जीरो। बोलो हाँ या ना। अगर हम 31st को निकालेंगे तो ये क्वार्टर में तो जीरो टाइम बचेगा, लेकिन बाकी के 1, 2, 3 तीन क्वार्टर में तीन तीन महीने करके कितना बन जाएंगे एंड में, 9 प्लस, और ये निकालेंगे 31st को, तो 0 / 2 यानी एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स। ये तो हमारा एवरेज पीरियड निकालने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। चलो इतना आप लिख लिए हो, आपको सारी बातें समझ में आ गई है, आगे चले। हाँ सर हाँ, आप आगे चलिए, सारी की सारी बातें हमें समझ में आती है, ओके आगे चलेंगे। जल्दी से जो बच्चे नहीं लिखे हो वो लिख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। हम बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने सिर्फ अभी एवरेज पीरियड निकालना सीखा, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला आपको पता है, टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। सर ये 12 क्यों किए आप, ये 12 क्यों, पहले इधर वाला हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से कहां तक आपने लिख दिया। लो पहले हमने इधर वाला हटा दिया, अब आपसे बात करने वाले हैं कि ये जो हमने निकाल के लाया है, ये जो हमने एवरेज पीरियड निकाल के लाया है वो मंथ में है। हमारा जो एवरेज पीरियड निकल के आया है वो कैसे है, मंथ में है, और उस मंथ को हमें कन्वर्ट करना क्या है, ईयर में। तो इसी कारण से हमने क्या किया है, 12 से डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं। हमने क्या लिखा, टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने कितना रुपए निकाले, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम में रहता है और परसेंटेज में रहता है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया, और इस पर एनम को मंथ को एनम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 12 से डिवाइड। एवरेज पीरियड जो भी निकाल के लाए हो उसमें मल्टीप्लाई कर देना। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ओके तुमने बोले एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो जरूर से हम करेंगे। हम कर रहे हैं एसके सिंह का बुक, हर दिन बोल रहे हैं हम कर रहे हैं एसके सिंह का बुक, ओके हम अभी भी कर रहे हैं एसके सिंह का ही बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 22, पिछले क्लास में हमने बोला था शायद आपको क्वेश्चन अपलोड कर देंगे स्क्रीन पे, बाय मिस्टेक वो नहीं हो पाया, इस बार आज वाले वीडियो में पक्का हम कर देंगे आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फिर भी आप ध्यान से एक बार सुन लो क्या है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर है मेनन और थॉमस, वो अपने प्रॉफिट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ओके। देयर मंथली ड्राइंग्स रुपीज 2000 ईच, मंथली ड्राइंग्स और रुपीज 2000 ईच, वो दोनों 2000 रुपये महीने का विड्रॉ करता है, यानी हर महीने विड्रॉ करता है, बिल्कुल। उसके आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर 2017 Assuming drawings are made in the beginning of each month, in the middle of each month, at the end of each month, or every month. क्या बोला? उसने withdrawal किया है beginning में, उसने withdrawal किया है middle में, उसने withdrawal किया है end में।
हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू कुछ इलस्ट्रेशन नंबर है 22। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू बताओ क्या लिखे, टोटल अमाउंट विड्रॉन। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। बस लो 2000 रुपये करके हर महीने विड्रॉ करेगा तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 12। ये उसका टोटल विड्रॉवल हो गया कि 2000 रुपये करके निकाल रहा है, पूरे 12 महीने निकालेगा तो टोटल उसने कितना विड्रॉ किया है, उसने टोटल विड्रॉ किया है अब तक कितने रुपए, 24000 रुपये। इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और एवरेज पीरियड अगर बिगनिंग रहा है तो बिगनिंग के लिए एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, लो फिर से निकाल के दिखाते हैं। अगर बिगनिंग रहा है यानी 1 जनवरी को पहला विड्रॉवल हुआ होगा, अच्छा डेट दिया है क्या, नहीं है, हम जनवरी मानते हैं 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। और लास्ट का विड्रॉवल हुआ होगा 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 1 मंथ डिवाइडेड टू एवरेज पीरियड इक्वल टू 6.5। तो 6.5 डिवाइडेड कौन सा, 12। क्यों किए हैं 12 डिवाइड, क्योंकि हमें मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर में। चलो लो आपके आंसर आ गए, आपके आंसर आ गए। अच्छा 10 से 10 कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 200, ये हो गया 12 और 1300। ये आ गया आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया अगर आपने विड्रॉ किया है 2000 रुपये पर मंथ करके और आपका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम के हिसाब से और आपने बिगनिंग में विड्रॉ किया है। तो यही काम अगर आपने मिडल में किया होता तो 2000 ये बिगनिंग का है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 2000 इंटू 12, ये तो टोटल अमाउंट विड्रॉन रहेगा ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं, एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा अगर हमने मिडल में किया, तो मिडल का मतलब 15th, तो यहाँ पे बन जाएगा 11.5, हाफ मंथ कम, तो 11.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी 6 मंथ आ जाएगा हमारा एवरेज। तो 6 मंथ डिवाइडेड 12, ये 2, 0 से 0, 0 से 0, अच्छा ठीक है ये कैंसिल कर लो, 100 रुपीज 1200। अगर एंड है तो एंड का आप एवरेज निकालना कर लोगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हमने आज बोला कि हम अपने क्लास में, आज के क्लास में हम कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे, जो हमने पिछले क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कराना करके छोड़ दिया था, उसके क्वेश्चन नहीं कराए थे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप एक बात जल्दी जल्दी से नोट करो कि आपको हमने होमवर्क देना शुरू किया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, सारे के सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, आपको होमवर्क करके आने हैं, ज़रूर से होमवर्क करके नेक्स्ट वीडियो देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से देखना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आज ही वाले वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन सारे के सारे डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, अगला वीडियो हम लाएंगे उसमें ज़रूर से करा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हमारा ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में फिर से डिस्कशन चलेगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, उसमें आप जा करके देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी डाउट आता है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने करा दिया है, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो ताकि हमें प्रमोशन मिले और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्टिव एनर्जेटिव इफेक्टिव होकर के आपके सामने आए। उसके साथ साथ अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी करते रहो ताकि
आपके अलावे और भी जो जो निडी है या फिर जिसको ज़रूरत है वो हमारे वीडियो को देख सके, और जब तक पूरी तरह से कोरोना वायरस ठीक नहीं हो जाता आप अपने घर पे ही रहो। भले ही आपका सिलेबस पीछे चला जा रहा है, कोई बात नहीं, जब हम अपना लाइव क्लास में आएंगे, रेगुलर क्लास में आएंगे, तो उस समय पूरे तरीके से अच्छे से इफेक्टिव हो करके क्लास करेंगे और सारे के सारे सिलेबस भी कवर अप कर लिए जाएंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट और भी बात है, हम चाह रहे थे अपने इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्लास स्टार्ट करने के लिए, बट बुक मेरे पास नहीं होने के कारण हम उसका क्लास नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या हमारे पास बुक अवेलेबल होगा, हमारा बुक हमारे सेंटर पर रह गया है, हम अपने सेंटर से बुक ला नहीं पाए, हमारे पास एक अकाउंट्स का पुराना बुक पड़ा हुआ था, इसी से हम गो थ्रू करा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास बुक आएगा तो हम इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज बिजनेस स्टडी का भी वीडियो ज़रूर से अपलोड करेंगे, इसी कारण से।